पूरे 9 महीने बाद आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा होने वाला है कि हम स्ट्रीमिंग कैसे करें। बिगिनर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में कि सर हमसे ना स्ट्रीमिंग पैटर्न नहीं हो पाती है, हम ऐसा क्या करें जैसे आपकी साउंड करती है एंड सर हमारी वैसे साउंड नहीं करवाती है, ऐसा आप क्या चीज करते हो जिससे कि आपकी इतनी खिल के वॉइस आती है स्ट्रीमिंग के, एंड आप क्या रूल एंड फॉलो है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फुल बताऊंगा कि क्या रूल एंड फॉलो होते हैं एंड किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, तो वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर कर लें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे अपने क्लोजर लुक में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नए बिगिनर्स होते हैं ना वो सबसे पहले क्या करते हैं कि उनको नहीं पता कि स्ट्रीमिंग करने के रूल एंड फॉलो क्या होते हैं, तो वो अपने किसी भी पिक से या अपनी फिंगर से बिना रूल एंड फॉलो को जाने हुए वो अपनी स्ट्रीमिंग पैटर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको नहीं पता कि पिक की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इनके रूल एंड फॉलो क्या होते हैं। इनको जो नए बिगिनर्स होते हैं ना उनको पिक पकड़नी भी नहीं आती। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको पिक की थिकनेस पता होनी चाहिए कि थिकनेस क्या होती है। कोई भी पिक मिली, अब मेरे पे ये 3 पिक हैं, ठीक है, इनकी बहुत आपको फोटो में दिख जाएगा, इनकी बहुत मोटी पिक है हमारी, ये तीनों नहीं खाली 2। अब मैं इनसे स्ट्रीमिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ये है मेरी एलेंस की, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिक शो कर दूंगा मैं, ये हमारी पिक 0.58 mm, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है इसकी। स्मूथनेस देखिए, आपको यहाँ पे पिक भी फोटो भी शो हो जाएगी, इसकी स्मूथनेस देखिए कि इसकी स्मूथनेस कैसी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही स्मूथ है। एंड मेरे पे दूसरी पिक है ये 0.96 mm की, आपको फोटो भी शो हो जाएगी 0.96 mm की, इसकी स्ट्रमिंग भी अभी मैं आपको प्ले करके बताऊंगा कि इसकी स्ट्रमिंग किस तरीके से प्ले होती है। एंड फाइनली हम पे सबसे मोटी जो कि हमारे मोस्टली इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर यूज होती है ये वाली पिक, ये हमारी 1.50 mm की सबसे मोटी और सबसे हार्ड पिक है ये वाली। तो फ्रेंड्स ये है हमारी 0.58 mm, बहुत ही प्यारी पिक है, बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको तीनों पिक से स्ट्रीमिंग प्ले करके दिखाऊंगा कि क्या होता है। ये है मेरी 0.58 mm, अब इसकी स्ट्रीमिंग की आवाज सुनिए। ठीक है, ये थी इस 0.58 mm की पिक की वॉइस। अब ये आती है हमारी 0.96 mm की, अब ये थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी नहीं ये ज्यादा ही हार्ड है। अगर मैं इससे स्ट्रीमिंग पैटर्न प्ले करूंगा तो कैसी आवाज आएगी, मतलब कि बहुत हार्ड, बहुत हार्श, कि बहुत ज्यादा इसमें लाउड आवाज आ रही है और आपसे ना स्ट्रीमिंग पैटर्न भी नहीं हो पाएगी इससे, मुझे पता है, क्योंकि मैं तो प्ले कर लूंगा, मेरी छोड़ो, क्योंकि मैं अब से प्ले नहीं कर रहा, मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया है गिटार को प्ले करते करते, तो मैं तो प्ले कर लूंगा लेकिन आपसे नहीं होगी, जो न्यू बिगिनर्स होंगे ना उनसे नहीं होगी। तो अब आवाज सुनिए, अभी मेरे हाथ में से छूटने वाली है क्योंकि मुझे आदत नहीं है, आदत की भी छोड़िए, जब नए बिगिनर्स होते ना उनको रूल एंड फॉलो नहीं पता होते, अगर आपको पिक पकड़ना ही नहीं आता तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया, उसके थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं कि पिक कैसे पकड़ते हैं। मैंने एक लिंक और दे दिया ऊपर वीडियो में कि आपके राइट हैंड की पोजीशन क्या होती है, बट हमारा ये आज का लेसन था हमारा पिक के ऊपर, तो मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ। ये हमारी 0.96 mm, बहुत हार्ड इसकी वॉइस है। एंड फिर आती है हमारी 1.50 mm की, इसकी वॉइस इससे तो भाई मेरे से प्ले ही नहीं होता, मेरे से प्ले नहीं होगा, बहुत गंदी सी साउंड आएगी, क्योंकि ये जो 1.50 mm की पिक है ये होती है हमारी लीड प्ले करने के लिए, जैसे कि तो ये होती है हमारी लीड प्ले करने के लिए, स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करने के लिए नहीं है। लेकिन सबसे प्यारी और सबसे स्मूथनेस वाली हमारी स्ट्रमिंग सॉरी हमारी पिक है 0.58 mm, इसकी स्मूथनेस देखिए, मैं एक बार और आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ, ये देखिए इसकी स्मूथनेस, ये देखो, जब आप इस स्ट्रमिंग को प्ले करोगे ना कोई सी भी स्ट्रमिंग पैटर्न उठा लो, कोई सी भी, जैसे कि डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, इस स्ट्रमिंग पैटर्न को उठा लो एंड इसकी वो देखें कितनी प्यार से
नीचे से हो रही है उस टाइम देखो। जब नीचे आओगे तो पिक का मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, जब ऊपर आओगे तो पिक का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको और वीडियो प्रोवाइड कर दी मैंने, उसको जाके देख लेना। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना ताकि मेरी वीडियो मिलती रहे। बस आज की वीडियो में इतना था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।